सो ही व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आईपीएल 2021 का ऑक्शन हो चुका है खत्म और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मुंबई इंडियंस की क्या स्क्वाड दिख रही है आईपीएल ऑक्शन खत्म होने के बाद। तो शुरुआत करते हैं, मुंबई इंडियंस की टीम ने जिन प्लेयर्स को रिटेन करा है पहले उनके नाम बता देता हूं। तो वहां पर नाम थे रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, क्रिस लिन, अमोलप्रीत सिंह, सौरभ तिवारी, आदित्य तरे, कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, क्रुणाल पांड्या, अनुकुल रॉय, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, राहुल चहर, जयंत यादव, धवल कुलकर्णी और मोशीन खान, ये सारे प्लेयर्स हुए थे रिटेन। इसके बाद बात करते हैं ऑक्शन में से किन किन को प्लेयर्स को खरीदा गया। तो यहां पर टोटल 7 खिलाड़ियों को मुंबई इंडियंस की टीम ने इस आईपीएल ऑक्शन से खरीदा है, जहां पर नंबर 1 पे नाम निकल कर आता है एडम मिलने का। 3.2 करोड़ रुपीज में एडम मिलने को मुंबई इंडियंस की टीम ने खरीदा है और अब ये पिक देखते हैं कैसा होता है। मुंबई इंडियंस की टीम हमेशा की तरह फॉरेन फास्ट बॉलर को ज्यादा तवज्जो देती है और मुंबई इंडियंस की टीम में एक और फॉरेन फास्ट बॉलर के रूप में एडम मिलने जुड़ चुके हैं। इसके बाद उन्होंने खरीदा है वापस से नेथन कुल्टनाइल को। नेथन कुल्टनाइल को पहले भी 8 करोड़ रुपीस में उन्होंने खरीदा था, रिलीज कर दिया था और अब वापस से उन्होंने 5 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो 3 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर मुंबई इंडियंस को हो गया है और नेथन कुल्टनाइल की वापस से हो चुकी है घर वापसी। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पे इन्होंने खरीदा है पीयूष चावला को। मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बोला था कि मुंबई इंडियंस स्पिन में कुछ खरीदना चाहेगी, तो यहां पर पीयूष चावला को खरीदा गया है। एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है पीयूष चावला के पास, 2.4 करोड़ रुपीस में यहां पर पीयूष चावला को खरीदा गया है। अब देखते हैं कैसे क्या पिक रहने वाली है, लेकिन पीयूष चावला मेरे को तो लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे मुंबई इंडियंस की टीम के लिए। इसके बाद उन्होंने खरीदा है जेम्स नीशम को 50 लाख के बेस प्राइस पे। जेम्स नीशम को बिल्कुल मतलब एक स्टील बाय मान सकते हो, न्यूजीलैंड के काफी अच्छे प्लेयर हैं। पिछले साल किंग्स इलेवन पंजाब से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया था, लेकिन इनका फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है और मुंबई इंडियंस बखूबी जानती है कि इस प्लेयर को कैसे कहां यूज करना है। तो जेम्स नीशम एक काफी अच्छा पिक होने वाला है। इसके बाद युद्धवीर चरक का नाम निकल कर आता है, 20 लाख रुपए में इनको खरीदा है। इंडिया का अनकैप्ड प्लेयर है, मात्र 20 लाख रुपए की बेस प्राइस पे इनको खरीदा गया है। अब कैसा क्या करेंगे आगे देखा जाएगा। इसके बाद इन्होंने खरीदा है मार्को जैनसन को 20 लाख रुपए की बेस प्राइस पे, साउथ अफ्रीका के ये प्लेयर को खरीदा है। काफी इंटरेस्टिंग ये पिक रहने वाला है क्योंकि लिटरली किसी ने नाम तक नहीं सुना होगा और बहुत अच्छे से जांच परख के इस प्लेयर को खरीदा गया है। काफी स्काउटिंग वगैरह करी गई होगी इस प्लेयर के लिए। तो मार्को जैनसन को यहां पर खरीदा गया है मुंबई इंडियंस की टीम के द्वारा। और आखिरी प्लेयर जो ऑक्शन में से खरीदा गया और ऑब्वियस सी बात थी, वो थी अर्जुन तेंदुलकर। 20 लाख रुपए की बेस प्राइस में अर्जुन तेंदुलकर को खरीदा गया है और ये बिल्कुल ऑब्वियस था कि मुंबई इंडियंस आखिरी में जाते जाते बिल्कुल आखिरी प्लेयर जो सोल्ड हुआ है वो अर्जुन तेंदुलकर ही था ऑक्शन में। और यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने अर्जुन तेंदुलकर को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तो मुंबई की स्क्वाड पूरी फुल हो चुकी है, 25 प्लेयर्स की स्क्वाड उन्होंने वापस से अच्छी पूरी खड़ी कर ली है और देखा जाए तो स्क्वाड काफी ज्यादा अच्छी दिख रही है। अब आपके क्या विचार है इस स्क्वाड के ऊपर नीचे कमेंट करके बिल्कुल से बता देना। मुंबई इंडियंस ने काफी अच्छा ऑक्शन यहां पर खेला है और आईपीएल 2021 में भी वो काफी अच्छा खेलने वाली है। सो बस मेरी तरफ से आज की यही वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।